और लगातार प्रवासी मजदूरों की मदद करने वाले सोनू सूद को इसका फल भी मिल चुका है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि सोनू सूद ने अपने फिल्मी करियर के दौरान हमेशा से ही विलन के किरदारों में नजर आया है। हालांकि इक्का दुक्का फिल्म में ही उन्होंने पॉजिटिव रोल किए हैं। सलमान खान की फिल्म दबंग में छेदी सिंह के किरदार में सोनू सूद को काफी पसंद किया गया। साथ ही आर राजकुमार और सिम्बा जैसी फिल्मों में उन्होंने नेगेटिव रोल निभाकर सभी को अपनी बेहतरीन अदाकारी का नमूना पेश किया था। हालांकि एक विवाह ऐसा भी और हैप्पी न्यू ईयर में ही अभिनेता सोनू सूद ने पॉजिटिव रोल किया है। और जब से प्रवासियों की मदद करते नजर आ रहे हैं सोनू सूद, उनको लेकर कहा जा रहा है कि सोनू सूद को लीड एक्टर के तौर पर पॉजिटिव रोल मिलना चाहिए। खैर, लॉकडाउन की वजह से पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री बंद है और ऐसे में माना जा रहा है कि जब लॉकडाउन हटेगा तो सोनू सूद के करियर की एक नई शुरुआत होगी। लेकिन ऐसे में दोस्तों उनके करियर की नई शुरुआत हो चुकी है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि पेप्सी के ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर शाहिद कपूर, शाहरुख खान और सलमान खान समेत अमिताभ बच्चन नजर आ चुके हैं और इसी लिस्ट में अब सोनू सूद भी आ गए हैं। जानकारी के लिए बताना चाहेंगे, प्रवासियों की मदद करने के बाद सोनू सूद की पॉपुलैरिटी पूरे भारत देश में फैल गई है। दिन प्रतिदिन उनकी लोकप्रियता बढ़ती ही जा रही है और इसी को देखते हुए पेप्सी ने ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर सोनू सूद को साइन कर लिया है। बताओ, सोनू सूद ने पेप्सी की एड भी शुरू कर दी है। इस बात में कोई शक नहीं है कि सोनू सूद की जिस हिसाब से पॉपुलैरिटी दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है, उसको देखते हुए आने वाले समय में निर्माता व निर्देशक सोनू सूद को पॉजिटिव रोल में अपनी फिल्मों में जरूर साइन करेंगे। अगर ऐसा होता है तो सोनू सूद के करियर की एक नई शुरुआत होने वाली है। इसी के साथ ही आपको इस बात से भी रूबरू कराना चाहेंगे कि लॉकडाउन के दौरान प्रवासियों की मदद करते आ रहे हैं सोनू सूद। सोनू सूद सिर्फ सोशल मीडिया पर ही नहीं बल्कि फील्ड में जाकर लोगों की बातें सुन रहे हैं और उन्हें सही सलामत उनके घर भी पहुंचा रहे हैं। सोनू सूद का प्रवासियों से ट्विटर पर बातचीत करने का तरीका भी लोगों के बीच काफी पसंद किया जा रहा है। अब तक सोनू सूद ने अपने पैसों के बदौलत पर 12,000 से ज्यादा प्रवासियों को उनके सही सलामत घर तक पहुंचाया है और इन्हीं गरीबों की दुआएं अब सोनू सूद को लगी हैं। जिस हिसाब से उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, उस हिसाब से साफ कहा जा सकता है अभी तो उन्हें पेप्सी का ही ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है। आने वाले समय में उन्हें और भी ब्रांड एंडोर्समेंट करने का मौका मिलेगा, साथ ही बॉलीवुड इंडस्ट्री में उन्हें पॉजिटिव रोल भी मिलेंगे।